रोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम कक्षा 12वीं के पुस्तक अंतरा से फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया का सारांश करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि हमने व्याकरण से संबंधित रस छंद अलंकार और काव्य के भेद इत्यादि वाले वीडियो भी बनाए हैं और उन्हें आप हमारे इस चैनल पर खोज सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया का सारांश। संवदिया कहानी मानवीय संवेदना को रेखांकित करने वाली एक विलक्षण कहानी है। इसमें हरगोबिंद नाम के एक ऐसे व्यक्ति की केंद्रीय भूमिका है जो डाकघरों के ना होने वाले समय में, जब डाकघर नहीं होते थे भारतवर्ष में, तब वह संवदिया का काम करता था। संवदिया यानी एक संवाद को लेकर के किसी दूसरे गांव में जाना और वहां उसे सुनाना। ये संवदिया भी विशेष प्रकार के व्यक्ति ही हो सकते थे, चाहे जो संवदिया नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें भी उसी तरह के अभिनय की और भावनाओं की आवश्यकता होती है जैसे कि फिल्मों में या सीरियल में काम करने वाले अभिनेताओं की। अगर कोई करुण संवाद है, दुख का संवाद है, तो संवदिया उसे उसी भाषा में जिसमें संवाद दिया गया है, जिस तरह से दिया गया है और जिस तरह से दुखद रूप से अभिव्यक्त किया गया है, वह उसी तरह से उसे अभिव्यक्त करता था। अगर सुख का संवाद है, खुशी का संवाद है, तो वह उसी उतने ही आह्लाद से, उतने ही आनंद से, उतनी ही प्रसन्नता से उसे प्रस्तुत करता था। तो इसलिए संवदिया सब हो नहीं सकते। और ऐसे लोगों के बारे में सामान्य लोगों की राय अच्छी नहीं थी। वे ऐसा मानते थे कि जो लोग मेहनत नहीं कर सकते, खेतों में काम नहीं कर सकते, मशक्कत का काम करने की जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वही लोग संवदिया का काम करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, खूब खाना पीना है, दोपहर को जो है जी भर के सोना है और एक गांव से दूसरे गांव घूमना है और संवाद कहना है और बदले में जो है वो कुछ पुरस्कार और उपहार भी प्राप्त करने हैं। तो संवदिया उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, जो संवाद भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, पर दूसरों के लिए वह उतना ही हीन भी है। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्ति को रेणु जी ने अपनी कहानी का प्रधान पात्र बनाया है। अब कहानी इस तरह शुरू होती है कि गांव में एक बहुत बड़े लगभग जमींदाराना या बड़े किसान का एक घर है, हवेली है, और वहां पर बहुत संपन्नता है, सैकड़ों सैकड़ों तो नहीं पर दर्जनों नौकर चाकर हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भाई हैं, जो खेती बाड़ी का सारा काम संभालते हैं, वो उनके तीन और भाई हैं जो शहर में पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करने लगे हैं, वहीं उनका परिवार रहता है। गांव में ये बड़े भाई रहते हैं और बड़े भाई की एक दिन मृत्यु हो जाती है। अब बड़े भाई की मृत्यु के बाद अकेले उनकी पत्नी, जैसे बड़ी बहुरिया के तौर पर इस कहानी में लेखक ने प्रस्तुत किया है, वो रह जाती है। देवर शहर से आते हैं और उन्होंने बड़ी ही दुष्टता के साथ, बड़ी क्रूरता और कठोरता के साथ बंटवारा कर लिया और लगभग ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उन्होंने गड़प लिया। यहां तक कि लेखक कहते हैं कि जो बड़ी बहुरिया की सबसे कीमती और बहुमूल्य साड़ी थी, उसके भी चार टुकड़े किए गए और इस तरह टुकड़े करके और यहां पर चीरहरण की लीला की गई, ऐसा लेखक कहता है। अब वो देवर तो ठाट बाट से हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, नौकरी पाई है, बड़े भाई का उनको समर्थन था, सहयोग था, और अब वो अपने परिवार में मजे से हैं।
साल में एक बार आते हैं और जो कुछ भी फसल उगती है वो भी ज्यादा से ज्यादा उसका हिस्सा ले जाते हैं। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा है, यहाँ तक कि कई साल उन्होंने बहुत मुसीबत में निकाले, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि उन्हें पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटियों के भी लाले पड़ने लगे। तब उन्होंने सोचा कि अपने मायके खबर भेजी जाए और मायके की खबर ये दी जाए कि वो आए और मुझे यहाँ से ले जाए, अन्यथा मैं किसी दिन किसी पोखरे में डूबकर मर जाऊंगी। वो संवदिया को बुलाती हैं जिसका नाम बाल गोविंद है और उसे रो रो करके अपना यह संवाद देती हैं। उनके पास उसे देने के लिए केवल 5 रुपया उनकी साड़ी के छोर में बंधे हुए हैं। वो कहती हैं कि देखो ये पूरा राह खर्च भी नहीं है, पर मेरे पास इतना ही है, तुम इसे ले जाओ और लौटने का राह खर्च तुम अपने मेरे मायके से ले लेना, तो इस तरह तुम मेरा संवाद ले जाओ। बाल गोविंद जो है वो कहता है कि मैं सब इंतजाम कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, और वहां से रवाना होता है। बड़ी बहुरिया के मायके भी जाता है और वहां पर वह भोजन वोजन करने के बाद जब विश्राम कर लेता है तब उसकी बुलाहट होती है कि भाई क्या संवाद लेकर आए हो बताओ। अब जब संवाद देने की स्थिति आती है तो संवदिया पशोपेश में पड़ जाता है, उसे लगता है संवाद दूं या न दूं। संवदिया का काम है संवाद देना, वह उसमें कोताही नहीं कर सकता, पर यहां उसके अंदर एक भावना आ गई है और इसलिए उसके मन में यह असमंजस पैदा हुआ है। भावना यह है कि अगर मैं ये संवाद दूंगा कि बड़ी बहुरिया को हमारे गांव में बहुत तकलीफ है, उनको रोटी के और कपड़ों के भी जो है वो लाले पड़े हुए हैं, तो इससे मेरे गांव की बदनामी होगी। लोग सोचेंगे ये कैसा गांव है जो दूसरों की बेटियां ब्याह कर अपने गांव ले जाता है, परंतु उस गांव के लोग उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर सकते। तो संवदिया तय करता है कि मैं यह संवाद नहीं दूंगा और वो बड़ी बहुरिया की मां से कहता है कि मैं कोई संवाद लेकर नहीं आया, मैं तो बाजू के गांव में आया था और सोचा आपसे भी मिलता चलूं, नमस्कार दुआ सलाम हो जाए और यहां की खबर दबर लेता जाऊं। बड़ी बहुरिया बहुत मजे में है और ऐसा कहकर के जब उसे कहा जाता कि भाई तुम राय खर्च भी ले लो, दो एक दिन और रुक जाओ, लेकिन वह ना तो रुकता है ना उनसे पैसा लेता है और वहां से चल पड़ता है। अब उसके पास पैसे भी नहीं है, एक चवन्नी है और वो सोचता अगर ये खोटी निकल गई तो थोड़ा बहुत जो रेल से यात्रा कर सकता है वह भी नहीं कर पाएगा, पर उसे उतनी यात्रा करने का अवसर मिल जाता है। बाकी की यात्रा जो है वो पैदल चलता है। अब उसे भूख भी लगी है, वह पैदल चल रहा है इसलिए थकान भी है और उसके आगे जो है वो अंधेरा छा रहा है। बड़ी बहुरिया की माँ ने अपनी बेटी के लिए उन्हें जो है वो बासमती चावल का जो है उनको चिवड़ा भेजा है, वो उसे खा नहीं सकता, उसके हाथ में है पर खा नहीं सकता क्योंकि ये तो किसी दूसरे की सौगात है। इस तरह वो चलते चलते और रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है, पर वह वहां गिरा था जब गांव पहुंच गया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह बड़ी बहुरिया के घर में है, बड़ी बहुरिया उसको पंखा कर रही हैं, पानी उसके मुंह पे डाल रही हैं और पूछ रही हैं कि बाल गोविंद भाई तुम्हें क्या हुआ, उठो क्या बात है। बाल गोविंद उठता है, बताता है कि बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर देना, मैंने आपका संदेश आपके मायके में नहीं दिया, मैं आपके बेटे की तरह
आपका पालन पोषण करूंगा, मेहनत करूंगा, खेतों में काम करूंगा, परंतु आपको इस गांव से नहीं जाने दूंगा। बड़ी बहुरिया की भी आंखों से आंसू बह चले, क्योंकि वो भी अपनी माँ को यह संवाद भेजने के बाद से ही बहुत पश्चाताप कर रही थी कि मैंने क्यों भेजा, मुझे नहीं भेजना था, ऐसी बात मायके नहीं भेजनी चाहिए। इस तरह दोनों के भाव मिल गए और संवदिया जैसा व्यक्ति जो एक पराया है, वह अपनी संवेदना के कारण बड़ी बहुरिया के सगे देवरों की तुलना में कहीं ज्यादा उनके प्रति वह समर्पण भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, स्नेह भाव से, आदर भाव से उनके लिए मेहनत करता है, काम करता है और उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उठाता है। तो ये थी फणीश्वरनाथ रेणु की संवेदनशीलता की सरहदों को छूने वाली मार्मिक कहानी संवदिया। अगली बार हम इसी कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा, और कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।